जंगल में शेर अपने बच्चे के साथ बातें कर रहे थे। तो अब शेर का बच्चा बोलता है, मामा आज पूरा जंगल घूमेंगे। तो शेर अपने बच्चे की बात मान लेते हैं और अपने बच्चे के साथ जंगल की नई नई जगह पर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो दोनों एक जगह पे आके रुकते हैं और अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है। वहीं पर एक शिकारी बंदूक लेके झाड़ियों में छुपा था। जैसे शिकारी मौका पाता है वो शेर को गोली मार देता है। गोली लगने की वजह से शेर वहीं का वहीं मर जाता है। ये सब देख के शेर का बच्चा बहुत डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर शिकारी झाड़ियों में से निकल के मरे हुए शेर के पास जाते है और मरे हुए शेर को उठा के अपने साथ ले जाता है। इधर शेर का बच्चा भागते भागते बहुत दूर आ पहुंचता है और एक जगह पे रुक के रोने लगता है। तो वहाँ पे एक बकरी अपने बच्चे के साथ जा रहा था। पहले तो बकरी शेर के बच्चे को देख के बहुत डर जाता है, लेकिन बकरी देखता है शेर का बच्चा बहुत रो रहा है। तो अब बकरी शेर के बच्चे से पूछता है वो क्यों रो रहा है। तो अब शेर का बच्चा बकरी को सारे बात बताने लगता है। शेर का बच्चा कहता है कैसे उसकी माँ को शिकारी मार के ले गया। ये सब सुन के बकरी को बहुत दया आता है और वो शेर को बच्चे को अपने साथ ले जाता है और बकरी अपने बच्चे के साथ साथ शेर का बच्चा का भी ध्यान रखता है। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाता है। शेर का बच्चा और बकरी का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन बकरी का बच्चा अपने माँ से कहता है, मामा हम और भैया तो बहुत बड़े हो चुके हैं, हम दोनों जंगल से घूम के आते हैं। ये सुन के बकरी बोलता है, ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। ये सुनने के बाद बकरी का बच्चा और शेर का बच्चा वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक जगह पे रुकता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगता है। शेर का बच्चा कहता है, बहन मैं तुमसे और माँ से अलग क्यों दिखता हूँ। तो बकरी का बच्चा बोलता है, भैया मैं नहीं जानता, माँ से पूछना पड़ेगा। वो दोनों बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर एक लोबड़ी आ जाता है। आते लोबड़ी कहता है, तुम एक शेर हो, तुम्हारे साथ ये बकरी क्या कर रहा है, ये बकरी हम दोनों का शिकार है, चलो इसको मिलके खाते हैं। ये सुन के शेर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि शेर बकरी को अपना बहन मानता था। गुस्से में शेर लोबड़ी पर हमला कर देता है और पार मारने लगता है, जिससे डर के लोबड़ी वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो अब शेर बकरी को बोलता है, मैं जान गया हूँ कि मैं एक शेर हूँ और तुम एक बकरी, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी माँ के पास चली जाना। ये कह के शेर वहाँ से चला जाता है। बकरी भी क्या करता है, इसीलिए बकरी भी अपने माँ के पास चला जाता है। बकरी अपने माँ के पास पहुँच जाता है। बकरी को आते देख के बकरी का माँ बोलता है, तुम अकेले आ रहे हो, तुम्हारा भैया कहाँ है। तो बकरी अपने माँ को सारे बात बताते हैं। ये सुन के बकरी बहुत चिंतित हो जाता है और अपने शेर बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और अलग अलग जगह जाके अपने शेर बेटे को ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों को शेर नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों एक जगह पे रुक जाता है। तो भी वहाँ पर एक लोबड़ी आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत डर जाता है। तो बकरी के बच्चा लोबड़ी से लड़ने लगता है, लेकिन वो लोबड़ी का कुछ नहीं कर पाता। इधर शेर को अपने बहन और माँ की आवाज़ सुनाई देता है। तो शेर दौड़ते हुए लगता है, सीधा शेर दौड़ते हुए आता है और आते लोबड़ी पर हमला बोल देता है। लोबड़ी को पांजा मार के वहाँ से तुरंत भगा देता है। तो अब बकरी कहता है, बेटा तुम हम दोनों को छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो अब शेर कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को छोड़ के और कभी नहीं जाऊंगा। फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर